नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर UGC CBSE नेट में। दोस्तों, इस बार जो हम बात करने जा रहे हैं तो वो बात हम थोड़ा नेट से हट करके करेंगे। वैसे टॉपिक तो वो नेट के भी होते हैं, लेकिन बात हम हट करके इसलिए करेंगे क्योंकि लोगों की डिमांड है कि मैं PGT इंग्लिश के बारे में कुछ UP PGT इंग्लिश के बारे में लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। सो आई एम हेयर टू इन्फॉर्म यू दैट द एग्जाम ऑफ UP PGT इज़ गोइंग टू बी कंडक्ट ऑन February 1 or 2। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप प्रिपेयर हो जाएँ और उसके लिए तैयार रहें। दोस्तों, मेरे साथ रह करके काफ़ी सारे लोगों ने नेट की प्रिपरेशन अच्छी की और काफ़ी सारे लोग क्वालिफाइड हुए, और जो नहीं क्वालिफाइड हुए जल्द ही मैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा और एक वीडियो उनके लिए मेरा डेडिकेटेड होगा और मैं उनसे बात करूंगा कि दोस्तों एक्चुअली में हमारी जो गलतियां होती हैं वो क्या होती हैं और उन गलतियों को हम कैसे सुधार कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पॉइंट्स से रुक गए या फिर बहुत सारे एक दो क्वेश्चन से बहुत सारे लोग जो रुके, मतलब उनका नेट रुक गया, तो उनको मैं कहूँगा कि आप हताश ना हों। आपको जल्द ही मैं कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दूंगा जिससे कि आप बेहतर सफलता अपनी पा सकेंगे। तो दोस्तों, UP PGT के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक्चुअली में सिलेबस है क्या। दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं हमेशा जो भी बात करता हूँ शॉर्ट में बात करता हूँ, और इस समय शॉर्ट में बात करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आपके सामने पेपर है और ये February 1 or 2 डेट में होने वाला है। तो दोस्तों, आपके पास बहुत कम टाइम है, तो मैं ऐसे पॉइंट्स, बुलेट्स पॉइंट्स दूंगा आपको ताकि आप एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकें। तो दोस्तों, चलिए आज हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। एक्चुअली में दोस्तों, जो स्क्रीन में आपके दिया हुआ है ये है आपके UP PGT का सिलेबस, और TGT का भी सिलेबस है मेरे पास जो मैं आपको जल्द ही शो करूंगा। और देखते हैं हम लोग कि ये एक्चुअली में सिलेबस तो हमारा काफ़ी सारा है और हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, आपके पास टोटल 21 ऑथर्स हैं जिनमें से 13 इंडियंस हैं एंड जो है 4 राइटर्स जो है वो इंडियन हैं जो है, और 13 इंग्लिश हैं, और जो है 4 राइटर्स जो हैं आपके आथर्स और राइटर्स जो कुल मिलाकर के 4 अमेरिकन आथर्स हैं। तो दोस्तों, अगर हम इनको थॉरली अध्ययन करेंगे तो हम अध्ययन करते करते अगर हम स्टडी करने जा रहे हैं इनको बहुत ही थॉरली, तो जब हम थॉरली अगर अध्ययन करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं। तो इसलिए हमारे पास इस समय वक्त है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चंस को टच करें जो इनसे संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जहाँ तक लैंग्वेज सेक्शन की दोस्तों बात होती है, तो लैंग्वेज सेक्शन काफ़ी सारे लोगों का मजबूत होता है, काफ़ी सारे लोगों का मजबूत नहीं होता है। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के थ्रू बात करता हूँ ऑलवेज जो है आपके लिटरेचर सेक्शन की। तो दोस्तों, मैं लिटरेचर सेक्शन के साथ डील करूँगा और इस लिटरेचर सेक्शन में आपको जैसे कि आपके जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर होंगे, तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के मेरे कुछ वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों, और 50 पॉइंट्स टू रिमेंबर जो मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं, अगर आप उसको यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं अंकित कुमार साहू राजवीर से, तो आपको 50 पॉइंट्स टू बी रिमेंबर फॉर ऑल एग्जाम्स या फिर इंग्लिश लिटरेचर क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स करके मिलता है जो, तो उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो आपके आपकी परीक्षा को कवर करते हैं। दोस्तों, जो जैसे जो ये भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के जो भी पॉइंट्स होंगे मैं उनके साथ डील करूंगा। फिगर ऑफ स्पीच के जो भी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं उनके साथ मैं भी डील करूंगा, और फिगर ऑफ स्पीच के लिए मेरा एक वीडियो बेहतरीन वीडियो है जिसको बहुत सारे व्यूअर्स ने देखा और बहुत अच्छा पाया, तो फिगर ऑफ स्पीच को आप वहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आप देखना चाहते हैं जैसे फॉर्म्स के बारे में काफ़ी सारा, तो जो वीडियोस मिल जाएँ तो ठीक है, नहीं मिलते तो मैं इम्पॉर्टेंट जो भी फॉर्म्स होंगे उनको अपलोड करूंगा। जब हम बात करते हैं दोस्तों अपने आथर्स और उनके वर्क्स के बारे में, तो आथर जैसे अब आपके विलियम शेक्सपियर हैं, अगर उनके वर्क्स को आप स्टडी करने लग जाएंगे तो बहुत सारे वर्क्स हैं, तो मैं शॉर्ट में बात करूँगा। दोस्तों, आपको उन पॉइंट्स को रिमेंबर करना है शेक्सपियर की लाइफ के, उन मतलब जीवन के उन पहलुओं पर आप नज़र डालें जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, जैसे कि उनका ग्लोब थिएटर में उनका प्रवेश, और जो है उन कैसे वो बार्ड ऑफ हेवन में जैसे जहाँ पर वो रहे वहाँ पर उनका क्या एक बैकग्राउंड रहा, फादर क्या रहे उनके, और ग्लोब थिएटर में उन्होंने कैसे काम किया, किसके लिए काम किया एक्चुअली में, और फिर वो कैसे एक जो है ड्रामेटिस्ट बन गए एक्चुअली में, वो एक एक्टर थे, एक्टर से ड्रामेटिस्ट कैसे बन गए, इन चीज़ों पर ज़रूर मैं भी फोकस करूँगा दोस्तों, और अगर आप सेल्फ स्टडी वाले हैं तो आप उस पर ज़रूर फोकस करें।
विलियम शेक्सपियर के जो महत्वपूर्ण ट्रेजेडीज होंगी तो उनमें आप हॉकम यानी हैमलेट, ओथेलो और किंग लियर के साथ और मैकबेथ के साथ आप डील करेंगे, और टेम्पेस्ट एज यू लाइक इट ये पढ़ना बिल्कुल भी ना दोस्तों भूलें, और इनकी इंपॉर्टेंट लाइंस को जरूर आप फोकस करें। दोस्तों जब हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ पर हम फोकस करेंगे उनके क्रिटिसिज्म पर। उनका जो क्रिटिसिज्म है वो लिरिकल बैलेड वाला, कि लिरिकल बैलेड उन्होंने कब पब्लिश किया, किसके साथ मिलकर पब्लिश किया, लिरिकल बैलेड के कितने जो है से कितनी बार पब्लिश हुआ, एक्चुअली में कितने पब्लिकेशंस आए दोस्तों, उस पर फोकस करेंगे। फिर हम फोकस करेंगे वर्ड्सवर्थ की जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स है, जैसे कि वो आई वंडर्ड लोनली हो, या तो टिंटन एबी हो, या फिर मतलब उनकी जो भी लूसी पोएम्स हैं, तो उनके बारे में हम दोस्तों फोकस करेंगे। पीवी शैली की जब भी बात आती है तो दोस्तों पीवी शैली को हमेशा आप जो है इनकी पोएम जो है स्काई लार्क साथ या वेस्ट विंड के साथ आप इनका अध्ययन जरूर करें, क्योंकि ये इनका जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है वो दोस्तों इनके ऐसे ही वर्क्स में देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप जब जब भी पीवी शैली का अध्ययन करते हैं तो पीवी शैली के अध्ययन में हमेशा आप एडोनिस जो पोएम उन्होंने किड्स के लिए लिखी उसको एक बार स्टडी करना ना भूलें। चार्ल्स लैम के जो दो पब्लिकेशंस आए एसेज के, एक 23 में और एक 33 में, एसेज ऑफ इलिया, इलिया नाम से इन्होंने लिखा, तो ये दोस्तों जो है इनके फोकस का विषय रहेगा। और इनके एसेज जैसे कि ड्रीम चिल्ड्रन अलाइवरी और आप बीइंग सिंगल एंड मैरिज करके एक इनका जो है ऐसे है, इस टाइप के जो ऐसेज हैं चिमनी स्वीपर हो, या तो फिर जो इन्होंने मिल करके लिखा शेक्सपियर की जो है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो, तो वो इनकी बहन और इन्होंने लिखा, उस पर हम ज़रूर फोकस करेंगे दोस्तों। जॉन किट्स की जब बात आती है तो इम्पॉर्टेंट पोएम्स इनकी और इनका जीवन थोड़ा सा देखना ना भूलें। इनके एक छोटे से स्पैम में जैसे कि इनकी निगेटिव कैपेबिलिटी रही हो, सेंसुअसनेस रही हो, या तो फिर इनकी जो और क्वालिटीज़ रही जैसे कि हेलेनिज्म, हेलेनिक व्यू ऑफ लाइफ, लव फॉर ग्रीक आर्ट एंड कल्चर, तो ये इनकी चीज पर हम फोकस करेंगे। और इनकी पोएम लावेल डेमसन्स मर्सी और ओड टू नाइटिंगल और जो है साइकी है, ओड टू साइकी है, ओड टू आटम है, तो इनकी इंपॉर्टेंट ओड्स को देखना ना भूलें। और जो इनका सबसे प्रोडक्टिव ईयर रहा 1890 उसको जरूर फोकस करें दोस्तों। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन की जब हम बात करते हैं तो इनका ब्रेक 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 इन मेमोरियम और प्रिंसेस, ये टिम्बकटू, ये इनके ऐसे वर्क्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे, और हम फोकस करेंगे इनके साथ कि ये कैसे रिप्रेजेंटेटिव पोएट रहे विक्टोरियन एरा के। तो दोस्तों यहाँ से हम हिस्ट्री भी कवर करेंगे और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन की लाइफ को भी, चाहे उनकी यूलिसिस पोएम रही हो या तो उनका कोई वर्क रहा हो, उस पर हम फोकस करेंगे। ऐसे आपको अध्ययन करना है दोस्तों। थॉमस हार्डी की जब हम बात करते हैं तो थॉमस हार्डी की मेयर आप कैस्टरब्रिज हो, या तो फिर आप इनके जो और नॉवेल रहे जैसे कि टेस ऑफ डर्वरविल, बिल्कुल टेस ऑफ डर्वरविल को बिल्कुल ना भूलें, और इनकी जो पोएम्स रहीं उन पोएम्स पर भी फोकस डालें, क्योंकि और ज़्यादातर क्वेश्चन ये बनता है कि हार्डी ने जो है जो अपना कैरियर स्टार्ट किया एक पोएट के रूप में स्टार्ट किया और एक पोएट के रूप में ही एंड कर दिया इन्होंने, तो इस टाइप की चीज़ों को चीज़ों पर यानी जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जरूर रिमेंबर करें। मैथ्यू अर्नॉल्ड के साथ आपको डील करना है कि मैथ्यू अर्नॉल्ड का जो क्रिटिसिज्म है कल्चर और एनार्की ने जो रहा, और जो इनका इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म रहा प्रोज वगैरह के बारे में, उस पर फोकस करें। डॉर्बी जैसी पोएम को जरूर देखें, थायरसिस को देखें, रग्बी चैपल को देखें, और इस तरीके से जो इनकी बेहतरीन पोएम्स रहीं उनको आप जरूर देखें दोस्तों। टी एस इलियट का वेस्टलैंड, प्रोफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, और जो है इनके जो ये तो पोएटिक वर्क हो गए जिनके बारे में हमने बात कर ली, स्वीनी एगोनिश, और जो इनकी ये पोएम्स है तो इन पोएम्स को एस वेडनेसडे, इन पोएम्स को आप फोकस जरूर करें, और इसके बाद फोकस करें आप इनके ड्रामेटिक वर्क्स को जो जो इन्होंने पोएटिक ड्रामाज लिखे, तो वो मर्डर इन कैथीड्रल हो या फैमिली रियूनियन हो या कॉकटेल पार्टी हो, लेकिन मर्डर इन कैथीड्रल और फैमिली रियूनियन इनसे मस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पर आप फोकस करें दोस्तों। डब्ल्यू बी एट्स की जब हम बात करते हैं तो डब्ल्यू बी एट्स की बाइजेंटियम पोएम्स बहुत ही फेमस हैं, और उनके जो कलेक्शंस हैं जैसे द टावर रहा उनका कलेक्शन, इन पर आप जरूर फोकस करें। और सबसे बड़ी बात कि ये आयरिस थे और आयरिस मूवमेंट ए बी थिएटर से इनका क्या कनेक्शन था, लेडी ग्रेगरी से क्या इनका तालमेल था, जे एम सिंज के साथ ये कैसे थे, तो इन सारी चीज़ों को आप दोस्तों फोकस करेंगे डब्ल्यू बी एट्स के साथ। डी एच लॉरेंस की जब हम बात करते हैं तो डी एच लॉरेंस का जो सेक्सुअल ट्रीटमेंट है उनके वर्क में, लेडी चैटली लवर, वुमेन इन लव, रैनबो, कंगारू, ये भी जो भी वर्क है उनके, उनमें जो उनका सेक्सुअल ट्रीटमेंट है उसको आपको दोस्तों फोकस करने की जरूरत होगी।
बात करेंगे हम और महत्वपूर्ण जो जीबी शाह हैं, जीबी शाह के प्रॉब्लम प्लेज, और प्रॉब्लम प्लेज में जैसे कैंडिडा, आर्म्स एंड दी मैन, आर्म्स एंड दी मैन बिल्कुल मस्ट आप रेड है, आप इसको जरूर पढ़ें, फोकस करें आर्म्स एंड मैन पर, या फिर इनके और जो मैन एंड सुपरमैन वर्क रहे हों और जो इनकी टेक्निक्स रही प्रॉब्लम प्ले को डील करने की कंटेम्प्रेरी लाइफ के साथ, तो उस पर आप फोकस जरूर करें दोस्तों। आर के नारायण का मालगुडी डेज, और जो भी रीजनल नॉवलिस्ट के रूप में जब इनको आप देखते हैं तो मालगुडी का डिपिक्शन और इनके जो वर्क स्वामी एंड फ्रेंड्स रहे और गाइड रहा, तो इन सारे वर्क्स को आपको फोकस करने की ज़रूरत होगी दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले तो ज़रूरत यही होती है कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर लें, उसके बाद हम उन चीज़ों को कवर करें जहां से कम क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वहां आप जरूर फोकस करें। कमला दास की बात जब हम करते हैं तो कमला दास के जो इंपॉर्टेंट वर्क रहे, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी रही, तो इन सारी चीजों को एन इंट्रोडक्शन वगैरह जो इनके वर्क रहे, इनको इन वर्क्स के साथ आपको कमला दास को स्टडी करना है। मुल्कराज आनंद को, कूली हो, अनटचेबल हो, इनके साथ आपको मुल्कराज आनंद को डील करना है एक्चुअली में। और नसीम एजेकिल एक मॉडर्निस्ट पोएट जो हैं, किससे थे, जैसे ज्यूज थे ये, तो इस तरीके से इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, द स्कॉर्पियन नाइट्स वगैरह इनके जो वर्क हैं, तो ये सारे वर्क्स को आप एक बार फोकस करें दोस्तों। मैं इनके बारे में आपको डिटेल्ड और बताता रहूँगा, क्योंकि पर्टिकुलर मैं एक एक आथर पर एक एक वीडियोज बनाऊंगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप स्टडी करें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनका अध्ययन करें। वाल्ट विटमैन हो तो वाल्ट विटमैन को भी आपको देखना है, और अर्नेस्ट हेमिंग्वे के वर्क जो हैं वो, जैसे कि जो इनके वर्क हैं, तो इनके वर्क्स में ये देखना है आपको कि एक्चुअली में इनके जो वर्क्स हैं तो उन वर्क्स में क्या डिपिक्शन एक्चुअली में देखने को आपको मिलता है, उस डिपिक्शन को आपको बेहतरीन से फोकस करना है। और विलियम फॉकनर भी इसी तरीके से आपको, मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं इनके, इंपॉर्टेंट वर्क के साथ डील करना है एक्चुअली में। तो रियल सिलेबस एक्चुअली में जब आप देखेंगे दोस्तों, तो रियल सिलेबस इनका हो जाता है बहुत छोटा। तो इस तरीके से आपको, जो आपसे मैंने बात की, तो मैंने कहा कि इन टोटल हमें 21 ऑथर्स जो पढ़ने हैं और उनके वर्क्स जो हैं, तो यानी 21 अगर आथर्स हैं तो एक हम अगर औसतन अगर एक आथर का एक वर्क जो है, मान लीजिए हम मानते हैं कि 4 से 5 वर्क अगर हम अध्ययन करते हैं, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्क्स होते हैं, और 100 वर्क्स में हम काफ़ी कवर कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसलिए हमें पढ़ना होगा शॉर्टकट तरीके से, और उन पॉइंट्स पर ज़रूर फोकस करना होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रहा मेरा जो है आज का, कि मैं सिलेबस क्या है, सिलेबस को कैसे पढ़ना है, इस बात पर फोकस। दोस्तों जब मैं अगले वीडियो में आपके साथ आता हूँ, तो मैं आऊँगा आपके साथ बेहतरीन कुछ फैक्ट्स लेकर के, वो होंगे आपके एग्ज़ाम फैक्ट्स, और इन फैक्ट्स के साथ मैं आपके साथ दावा करूंगा दोस्तों कि आप एग्जाम में बेहतरीन करेंगे उन फैक्ट्स को रिमेंबर करके दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली सीरीज में।